माय स्टूडेंट्स, इन टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन विच इज सर्कल। तो सर्कल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। तो सपोज दिस इज अ पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो भी सपोज ओ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है ए, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसकी भी ओ से डिस्टेंस क्या है, ए है। एक तीसरा पॉइंट लेते हैं आर, जिसकी ओ से डिस्टेंस फिर से ए है। ऐसे एक तीसरा चौथा पॉइंट लेते हैं एस, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे अराउंड ए जिनकी डिस्टेंस ओ से ए होगी। समझ में आया कि हियर OP इक्वल टू A, OQ इक्वल टू A, OR, OS और OT, OU, ये सारे पॉइंट्स और सबकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O विल बी A। तो सपोज ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं अराउंड A जिनकी O से एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड सेंटर। दिस पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल। दैट इज वी कैन से दैट सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज इट्स सेंटर। So we move towards the next definition, that is radius of the circle. The distance between this point center and any point on the circle will be called its radius. So the distance between center and any point on the circle will be called its radius. Now the line joining between any two points on the circle will be called its chord. Here these are three chords. Now we move towards the next definition of the circle, which is diameter. So the longest chord in the circle which passes through the center of the circle will be known its diameter. We know that diameter equal to 2 times of its radius. So next definition of the circle will be its arc. So the path travel on the circle, every path travel on the circle will be known as its arc. So the half distance around the center of the circle will be known as semicircle, and the boundary will be known as circumference of the circle. Set of all points equidistant फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का सेट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज इक्विडिस्टेंट पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट्स के सेट को हम लोग सर्कल बोलेंगे। दैट मीन्स सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइक पी क्यू आर एस टी यू एक्सेट्रा तो विल बी कॉल्ड सर्कल, एंड द फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम लोगों ने समझा कि सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे पॉइंट्स का सेट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पे है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, इक्विडिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जो कि इक्विडिस्टेंस पे है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस विच इज कॉन्स्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन ओपी विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द सेंटर। अभी वो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो इन मैनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है
उसको हम लोग एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं विच इज कॉल्ड लोकस। तो लोकस क्या हो गया कि बार बार हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लोकस। तो लोकस क्या हो गया, लोकस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हो गया जिसमें एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है कि वो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज एट अ फिक्स्ड पॉइंट, विच इज ऑलवेज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट के जो लोकस होता है उस पॉइंट का, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या हुआ, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर होता है, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और जो ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, this is a fixed point O and this is a point P having coordinates x, y. अब P ऐसे move करेगा कि इसकी O से distance always constant रहे, always equidistant रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो locus जिस पे ये move करेगा, तो ये जो locus होगा इसको हम लोग बोलेंगे circle, और ये जो fixed point होता है इसको हम लोग बोलते हैं center of the circle, और ये जो डिस्टेंस होती है दिस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम लोगों ने समझा कि किसी भी सर्कल में सेंटर क्या होता है और उसकी रेडियस क्या होती है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ अ सर्कल देखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट 0, 0 एंड रेडियस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन है 0, 0 है और उसकी रेडियस ए है, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी ए। तो भी सपोज यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग जानते हैं कि जब पी ट्रेवल करेगा तो O से P की डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स होगी, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन OP विल बी फिक्स्ड एंड इक्वल टू A। तो हियर वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ x1 y1 इक्वल टू 0, 0 एंड x2, y2 विल बी इक्वल टू x, y। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग O से लेके P तक की डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है OP विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो डिस्टेंस A के इक्वल है। आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड वी विल गेट x माइनस 0, 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बाय विच वी कैन गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर आर 0, 0 एंड द रेडियस इज a। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल having center at origin and radius equal to a. First, let us take an example. Find equation of a circle. Find equation of a circle whose center at 0, 0 and radius is equal to 4. Then we know that equation of a circle is x square plus y square is equal to a square. अभी radius की value 4 put कर देंगे, then we will get equation of the circle will be
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां से हम लोग उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर पाते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है ना, और रेडियस उसकी ए है। तो सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होकर के सेंटर है एच कॉमा के। हेंस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज एट एच कॉमा के एंड रेडियस ए। तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका सेंटर एच कॉमा के है और उसकी रेडियस ए है। तो सपोज दिस पॉइंट इज ओ, सेंटर इज ओ एंड द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो भी वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल दैट मीन्स ओ पी विल बी कॉन्स्टेंट एंड विल बी इक्वल टू ए, कि ओ से पी की डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स्ड होगी और इक्वल टू ए होगी। पी कहीं भी मूव करेगा है ना, यहाँ पे कहीं भी मूव करेगा इसकी डिस्टेंस ये इट विल बी ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ओ। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे ओपी की और इसको इक्वल कर देंगे ए की। अभी ओपी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट द सेम कॉन्सेप्ट एज यूज्ड अर्लियर, एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू इन दिस केस एच कॉमा के एंड द सेकेंड पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू विल बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट विल बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू है ए। जो ओ से पी की डिस्टेंस है वो गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एच कॉमा के है और रेडियस ए है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं और आपको सेंटर दे दिए जाते हैं ओरिजिन दैट इज 0,0, तो आप यहां पर h और k की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल की इक्वेशन जबकि सेंटर गिवेन होंगे और उसकी रेडियस भी गिवेन होगी तो हम लोग उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर एट 3,-2 एंड रेडियस इज 2। तो हम लोगों को एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सेंटर 3,-2 पे है और उसकी रेडियस 2 पर है। तो बहुत सिंपल, एच कॉमा के गिवेन दैट एच कॉमा के विल बी इक्वल टू 3,-2 एंड रेडियस इक्वल टू 2। अभी वी नो दैट इक्वेशन अभी आपको मैंने बताई है सर्कल की, दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर कर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y विल बी इक्वल टू 4। बाय दिस वी कैन गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से अगर हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और रेडियस दी जाएगी तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन को इजिली फाइंड कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में
सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जनरल फॉर्म में किसी भी सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखते हैं कि जी एफ और सी क्या होते हैं। तो इसके लिए वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस ए दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बिंदु स्क्वायर कर देंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशियंट होते हैं वो इक्वल होते हैं और वन के इक्वल होते हैं, और यहां पर एक्स वाई वाला कोई टर्म नहीं होता है। एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, टू एच एक्स हुआ, टू के वाई हुआ, लेकिन एक्स वाई वाला कोई भी टर्म इसमें नहीं होता है। हम लोग इसको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर वन से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन टू बाय वन वी गेट। अभी हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर है। यहां पर एक्स का कोफिशियंट टू जी है, यहां पर एक्स का कोफिशियंट क्या है टू जी, और यहां पर एक्स का कोफिशियंट क्या है टू एच। तो यहां पर लिखेंगे यहां पर एक्स का कोफिशियंट टू जी और यहां पर एक्स का कोफिशियंट टू एच, दैट इज जी इक्वल टू माइनस एच। यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो वाई का कोफिशियंट है माइनस टू के और यहां पर वाई का कोफिशियंट है टू एफ, दैट इज टू एफ इक्वल टू माइनस के, बाई विच वी कैन गेट एफ इक्वल टू माइनस के। तो जी की वैल्यू हो गई माइनस एच और एफ की वैल्यू हो गई माइनस के। यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म है सी और यहां पर कॉन्स्टेंट टर्म हुआ है यूज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज सी विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने कंपेयर करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो दैट मींस सेंटर क्या हो जाएंगे सर्कल के इन जनरल फॉर्म, हम लोग जानते थे सेंटर होते थे एच कॉमा के। अभी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी और के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ। दैट मींस इन जनरल फॉर्म सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इन दिस इक्वेशन वी कैन गेट ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। एच और के की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एच इक्वल टू माइनस जी और के इक्वल टू माइनस एफ, देन वी विल गेट ए स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज ए विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम लोगों ने देखा कि जनरल फॉर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन दिस सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड द रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। लेट अस टेक अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड वी आर गोइंग टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां भी वाई स्क्वायर है, यहां पर x का कोफिशियंट 2g है और यहां पर 4 है, दैट इज 2g इक्वल टू 4, बाय दिस वी गेट g इक्वल टू 2। यहां पर y का कोफिशियंट 2f है और यहां पर y का कोफिशियंट -6 है, दैट मींस 2f इक्वल टू -6, बाय विच वी गेट f इक्वल टू -3, और यहां पर c की वैल्यू है 2 एंड c इक्वल टू 2। तो भी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सेंटर विल बी इक्वल टू -g, -f, सेंटर होते हैं -g, -f, दैट इज -2, 3, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर 9 माइनस सी दैट इज 2। रेडियस विल बी 9 and 4, 13 minus 2, root 11। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हम लोग जनरल फॉर्म में सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, एंड द रेडियस विल बी √11 units। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक सर्कल होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट फाइंड करेगा, एक इंटरसेप्ट बनाएगा, तो हम लोग उस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सपोज This is a circle at center O having coordinates h, k and radius a। तो एक ये सर्कल है जिसकी सेंटर h, k है और इसकी रेडियस a है। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को भी दो जगह कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी दो जगह कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स वन, और अगेन यहां पर कट कर रहा है एक्स टू पे। तो एक बार ये कट करता है x1 पे x एक्सिस को और एक बार कट करता है x2 पे, है ना। तो क्या होगा कि इन दोनों के जो बीच का ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो सपोज दिस इज O एंड दिस इज P, दिस इज Q, देन PQ विल बी कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो इसकी वैल्यू OP की वैल्यू हो जाएगी x1 और OQ की वैल्यू हो जाएगी x2, देन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस विल बी इक्वल टू PQ, दैट इज x2 माइनस x1। तो इस टाइप से हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं कहां पर, x एक्सिस पर, और इसी टाइप से हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे y एक्सिस पे। तो वी नो दैट For x axis, value of y will be equal to 0। तो जब भी x axis पे कट करेगा, कहां पे कट करेगा, P पे कट करेगा और Q पे कट करेगा, तो इन पॉइंट्स पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 कॉमा 0 और यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 कॉमा 0। तो मैंने बताया भी था कि x axis पे एवरी पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। तो जब x एक्सिस की बात करेंगे तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, बाय दिस वी कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ x, दीज आर x1 एंड x2। तो सपोज
x1 and x2 are the roots of this equation, then we know that x1 plus x2 will be equal to minus 2g and x1 x2 will be equal to c. हम लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए. तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया. तो भी वी नो दैट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन. तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज पी क्यू इट विल बी x2 माइनस x1. अभी x2 माइनस x1 हम लोग इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे एंड वी विल गेट x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2. ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहां से x2 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी. आइए देखते हैं क्या आएगी. x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर दैट इज 4g स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2 विच इज c. आप 4 कॉमन ले लेंगे दैट इज 2 एंड रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c दैट इज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट g स्क्वायर माइनस c. सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस वी कैन फाइंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स f स्क्वायर माइनस c. तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन लिखेंगे और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ f स्क्वायर माइनस c. तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं. सपोज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में हम लोग x एक्सिस पर इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से. By this, we get 2g equal to 4, that is g equal to 2, and 2f equal to minus 6, that is f equal to minus 3, and c equal to 3. अभी हम लोग देखेंगे intercept on x axis, जिसकी value थी 2 times g square minus c, that is 2 times g square, that is 4, माइनस c दैट इज 3. तो यहां पर इसकी इंटरसेप्ट आ जाएगा 2 यूनिट्स. तो ये सर्कल x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा 2 यूनिट्स का. अगर हम लोग देखें इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ रूट f स्क्वायर माइनस c दैट इज 2 f स्क्वायर दैट इज 9 माइनस c दैट इज 3. Hence, we get 2 root 6. तो यहां से हम लोगों ने देखा कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स का होगा और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 root 6 यूनिट्स का होगा. तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसमें हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose endpoints of its diameter are given. तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हम लोगों को गिवन होते हैं. तो सपोज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल and the end points of diameter A and this is B is given and the coordinates of x, A is x1, y1 and the coordinates of B are x2, y2. So in this equation
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर आर गिवन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अभी इसमें क्या करेंगे, सपोज इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट पी है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पी को ए से मिलाएंगे और पी को बी से मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेमी सर्कल में अगर कोई भी पॉइंट पी होगा तो उसको जो लाइन ज्वाइन करेंगी उनके बीच में ऑलवेज एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो बाय दिस डेफिनेशन वी कैन गेट दैट दैट ए पी विल बी परपेंडिकुलर टू बी पी। तो जो ए पी होगी लाइन वो बी पी के परपेंडिकुलर होगी और वी नो दैट बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू माइनस वन। परपेंडिकुलरिटी लाइन्स की हमने पढ़ी थी दैट इज एम वन एंड एम टू, एम वन एम टू विल बी इक्वल टू माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी का स्लोप निकाल लेंगे और बीपी का स्लोप निकाल लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल कर देंगे माइनस वन से। दैट इज स्लोप ऑफ एपी विल बी इक्वल टू, स्लोप का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि स्लोप का फार्मूला होता है ऑफ अ लाइन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहां से देखेंगे तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप bp का निकालेंगे, स्लोप ऑफ bp दैट विल बी y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। अब आप क्या करें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दें और इक्वल कर दें माइनस वन की। दैट इज y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू विल बी इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से आप देखेंगे वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। आप इसको इस साइड लाएंगे एंड वी विल गेट वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू will be equal to zero. So this is the desired equation of a circle whose end points of a diameter are given. तो अगर diameter के end points given होंगे तो circle की equation क्या हो जाएगी, y minus y1 y minus y2 plus x minus x1 into x minus x2 will be equal to zero. तो भी हम लोग example discuss करेंगे, उसमें हम लोग circle के diameter देंगे और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लेट अस टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 2.3 एंड -1.4। तो सपोज डायमीटर के एंड पॉइंट्स 2.3 एंड -1.4 है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन होती है सर्कल की। अब आप क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट x माइनस x1 दैट इज 2, x माइनस x2 तो माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 एंड y माइनस y2 दैट इज 4 इक्वल टू 0। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बाय विच x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। बाय दिस इक्वेशन वी कैन गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 7y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0।
So this will be the desired equation of the circle when end points of the diameter will be given. तो हम लोग next topic की तरफ बढ़ते हैं, which is equation of a circle. Equation of a circle when it passes through three points. तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करेंगे जो कि थ्री पॉइंट से पास होता है. तो सपोज एक सर्कल है जो कि थ्री पॉइंट्स ए दैट इज एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू और सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री से पास होता है, उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए. तो हम लोग एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो ये थ्री पॉइंट से होकर जाता है, से पास होता है. तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो सपोज ये सर्कल की इक्वेशन है. अभी देखिए, अगर ये सर्कल ए से पास होकर के जा रहा है, ए से पास हो रहा है, तो दैट मीन्स ए उसको सेटिस्फाई भी करेगा. तो इक्वेशन नंबर वन ए को भी सेटिस्फाई करेगी, बी को भी सेटिस्फाई करेगी और सी को भी सेटिस्फाई करेगी. तो एक बार हम लोग इस इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन पुट करेंगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगी जी एफ सी में. फिर हम लोग एक्स टू वाई टू पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ एक्स वाई तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी जी एफ सी में. और फिर हम लोग एक्स वाई की जगह पुट करेंगे एक्स थ्री और वाई थ्री बिकॉज सी विल बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. तो वी विल गेट थ्री इक्वेशन इन जी एफ सी. अभी थ्री इक्वेशन होंगी, थ्री अननोन्स होंगे और हम लोग जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. और जैसे ही हम लोग को जी एफ सी की वैल्यू मिल जाती है, हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन.